कौमी असेंबली ने आइंदा माली साल का बजट मंजूर कर लिया। आईएमएफ की फरमाइश पर इनकम टैक्स में तब्दीली, तनख्वाहदार तबका का टैक्स पर रिलीफ भी खत्म कर दिया गया। टैक्स की नई शरह मंजूर, 50,000 महाना तनख्वाहदार पर कोई टैक्स नहीं होगा। 50,000 से 1,00,000 महाना पर 2.5% टैक्स लागू। 50,000 से 1,00,000 रुपए तक तनख्वाह पर 2.5% टैक्स कटेगा। कौमी असेंबली तरमीम के मुताबिक 1 से 2 लाख पर सालाना 15,000 फिक्स टैक्स होगा और अजाफी रकम पर 12.5% टैक्स होगा। तो शाहखाना स्कैंडल की नई किस्त आ गई। 3 मजीद घड़ियां इमरान खान ने फरोख्त की और अपनी हुकूमत की तरमीम का फायदा उठाकर कीमत का तखमीना असल से कम लगवाया और कम कीमत का 20% कौमी खजाने में जमा कराया। 15,40,00,000 रुपए की 3 कीमती घड़ियां इस्लामाबाद के वॉच डीलर को फरोख्त की। 3,60,00,000 रुपए कमाए। कौमी असेंबली इजलास में फाइनेंस बिल 2022 और 2023 की शबवार मंजूरी दे दी गई है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि इस वक्त 40 मसनूआत पर लेवी सिफर है। कौमी असेंबली ने पेट्रोलियम मसनूआत पर मरहलावार 50 रुपए फी लीटर लेवी आयद करने की तरमीम मंजूर कर ली। अपडेट्स के लिए देखते रहे KNN न्यूज़ लाइव।